मजबूत नारी शक्ति, इस देश की मातृशक्ति को मैं सलाम करना चाहूंगी कि इस देश को जब कभी भी जरूरत पड़ी है। साथियों, इतिहास गवाह है, अहिल्याबाई से लेकर लक्ष्मीबाई तक, जब कभी भी इस देश को इस देश की नारी शक्ति की जरूरत पड़ी, नारी ने आगे बढ़कर अपने जोश जुनून और अपनी शक्ति का परिचय देश की एकता की रक्षा के लिए दिया है। और आज जब बारी आती है देश को पूंजीवाद से बचाने की, एनपीएस को गो बैक करने की, तो हमारे साथ पंडू जी के नेतृत्व में, एनएमओपीएस के नेतृत्व में, इस देश का एक एक कर्मचारी और विशेषकर नारी शक्ति हमारे साथ खड़ी हुई है। यहाँ मौजूद नारी शक्ति मेरे साथ एक नारा लगाएंगी, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। साथियों, 30 अप्रैल की रामलीला मैदान रैली हो, 7 अक्टूबर की करनाल रैली हो, या फिर 26 नवंबर की रैली, राजस्थान की रैली, ये रैलियां इस बात का गवाह है कि नई पेंशन को भेजने के लिए जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो एक जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन साथ के साथ ये इस बात का प्लीज ध्यान देंगे थोड़ा सा, साथ के साथ ये इस बात का गवाह भी है कि वो सरकार, हमारी सरकार, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए इतनी बड़ी जन समूह की आवाज को दबा रही है। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या पेंशन की जरूरत उन राजनेताओं को है जो शौक के लिए राजनीति में आते हैं, जो अपने आनंद के लिए राजनीति में आते हैं, या उस कर्मचारी को जो 1 से 30 तारीख तक 24 घंटे ड्यूटी में बंधा रहता है, जिसको रात को भी कभी भी किसी समय आपको सरकारी आदेश पर बुलाया जा सकता है, और रिटायरमेंट तक पहुँचते पहुँचते दो कमरे का मकान एक सरकारी कर्मचारी का मुश्किल बना पाता है। साथियों, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या उस कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है? आप में से बहुत साथी जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे, जिस समय इस देश का संविधान बना उस समय साथियों एमपी और एमएलए की पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। पेंशन थी तो केवल कर्मचारी की, जो देश के लिए, सरकार के लिए हर वक्त 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पार करती तानाशाह होती हमारी सरकार ने अपने लिए तनख्वाह का प्रावधान कर लिया और एमएलए एमपी के लिए पेंशन का प्रावधान कर लिया। और रह गया कौन? दो ही सरकारी कर्मचारी जो मुश्किल दो कमरे के मकान में जीवन यापन कर पाता है, पूरी जिंदगी सरकारी आदेशों की पालना पड़ी। मैं मोदी सरकार से, भारत सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या उस कर्मचारी को पेंशन की जरूरत नहीं है? क्या एमएलए एमपी जो एक दिन के लिए आते हैं उनके लिए पेंशन की जरूरत है? मेरे मौजूद साथियों, आप सभी कर्मचारियों से एक मेरी गुहार भी है कि अगर हमने अपनी आवाज को मजबूत नहीं किया, आवाज पर दम नहीं आया, तो वो दिन साथियों दूर नहीं कि ये देश, इस देश की जनता चंद पूंजीवादियों की, चंद पूंजीपतियों की मुट्ठी में बंद होकर रह जाएगी साथियों, और हम सिर्फ क्या रह जाएंगे, एक गिड़गिड़ाते हुए सरकारी कर्मचारी, इस देश की जनता, जिनको पूंजीपति, आपको ध्यान है जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इस देश पर कब्जा किया था, फिर वही होने जा रहा है, ये देश पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। इसलिए साथियों, एक हो जाओ, आवाज उठाओ, एनपीएस केवल हमारी आर्थिक सुरक्षा की बात नहीं है, इस देश के पूंजीवादी ढांचे को हम लोग आवाज, वो कंपनियां जिनको एनपीएस, जिनके लिए सरकार हमारी हर महीने का 10% जिनको दे रही है, उनके विरुद्ध हम आवाज उठा रहे हैं, पूंजीवादी सरकार की आवाज उठा रहे हैं। साथियों, एक बार फिर से कहूंगी, कर्मचारी एकता, ¡Gracias!
हमको बुलाएगा, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए हर हाल में खड़े होंगे, हर हाल में खड़े होंगे। और इसी के साथ शिक्षक मांगे, साथी देश को लेकर शिक्षक मांगे, बंधु जी मांगे, रेलवे मांगे, रोडवेज मांगे, बिजली कर्मचारी मांगे, शिक्षक मांगे, मैं भी मांगू, तुम भी मांगो। और हम सबका विश्वास है, हमारे नेतृत्व में विश्वास है कि पुरानी पेंशन बहाल होकर you